बैक टू माई चैनल। सो टुडे इज 15th of July एंड आज कन्वोकेशन डे है हमारे कैंपस में। सो अभी जो हमारा ऑडिटोरियम है वहाँ पे डिग्रीज है वो दी जा रही है। और आज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली थी कि सामने देखो, आज यहाँ पे फ्लैग भी लगाया है इन लोगों ने, जो एकेडमिक बिल्डिंग है उससे आगे। जनरली नहीं होता है, लाइक 15 अगस्त 26 जनवरी पे लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं, यहाँ खाली होता है। दिस इज़ द गुड पार्ट। और अभी लंच टाइम हो रहा है तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जाके लंच कर लेती हूँ, देन उसके बाद में जो ऑडिटोरियम वाली साइड है उधर चलेंगे। सी, यहाँ ऑडिटोरियम के सामने कितने सारे लोग हैं। ओह माय गॉड, मुझे डिग्री कब मिलेगी। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी हैं साथ में। आपने बहुत सारे लोग अपनी डिग्री लेके कितना ज़्यादा खुश हो रहे थे। रियली बहुत ही प्यारा मोमेंट था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। होपफुली मुझे भी नेक्स्ट टाइम डिग्री मिलेगी। सो चलो अभी तो जाके खाना खाते हैं, देन अगेन आपसे मिलते हैं। द नेक्स्ट डे, अभी मैं मंदिर जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको जो मंदिर वाली लोकेशन है वो भी दिखाती हूँ। और आज सुबह से ना बीच बीच में बारिश हो रही थी और फिर रुक रही थी, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है तो बाहर निकलते ही बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है। सो अभी जस्ट मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ तो आपको थोड़ा लोकेशन समझाती हूँ कि मंदिर कहाँ पे है। तो जो नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में अभी आपको सुपर एकेडमिक ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, ये देखो प्रॉपरली आप। और इस सुपर एकेडमिक ब्लॉक से जस्ट हम दूसरी साइड में टर्न होते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दिख रहा होगा। और इधर ये फैमिली क्वार्टर्स हैं सारे। सो जो मंदिर की लोकेशन है ये, जहाँ पे आप बहुत सारे पेड़ देख पा रहे हैं, लाइक ये पेड़ देख रहे हैं ना आप, वहाँ पे मंदिर की लोकेशन है। शायद प्रॉपरली आपको भी दिख रही होगी और मैं पास जाके भी आपको दिखा दूंगी। मीन्स ओवरऑल जो मंदिर की लोकेशन है वो सुपर एकेडमिक ब्लॉक से बिल्कुल पीछे की तरफ, या फिर CS से आएंगे तो CS से भी बैक साइड में है। और बहुत छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, मैं आपको सामने से चल के दिखाती हूँ। और गर्मी के कारण मेरी अभी से हालत खराब हो रही है तो मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है तो चलो मैं भी मंदिर जाके आ जाती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ। सो मंदिर यहाँ पे है, यहाँ पे एक माता की मूर्ति रखी हुई है और साथ में ही शिवलिंग भी है। तो आप जब भी मंडे का फास्ट करें तो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जस्ट जो हमारा सुपर एकेडमिक ब्लॉक है उसके पीछे की तरफ है। तो चलो अभी मैं भी दर्शन कर लेती हूँ, देन अगेन आपसे मिलती हूँ। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा वॉक पे जाने का मन था लेकिन इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि अभी मैं वॉक पे बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ जाके लैब में थोड़ा काम कर लेती हूँ, वही बेटर रहेगा मेरे लिए। One eternity later. Hi guys, अभी रात का ऑलमोस्ट 1 बज रहा है और अभी मैं लैब से निकल रही हूँ। जस्ट मैंने अपना काम कम्प्लीट किया है एंड आज एक फ्रेंड का बर्थडे भी था, वो भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था अभी थोड़ी देर पहले। और अभी मैं सीधा लैब से निकलने के बाद रूम जाऊंगी। बट आज मेरी साइकिल है वो थोड़ी ख़राब है, उसके टायर में हवा नहीं है। और मैंने साइकिल वाले भैया को भी फ़ोन करके पूछा था कि वो अवेलेबल है या नहीं है, बट आज वो अवेलेबल नहीं थे तो शायद वो कल आएंगे कैंपस में बोल रहे थे।
तो कल मैं अपनी साइकिल पे ठीक करवाऊंगी। और अभी बाहर का मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अगेन हल्की हल्की बारिश आ रही है। शाम को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और यार पता नहीं मुझे क्यों रात होते होते बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, और मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, बट अगर अभी मैं खाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मैं वो हॉस्टल तक जाने के बाद ही डिसाइड करूँगी कि मैं कुछ खाने जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर खाने नहीं गई तो मुझे नींद आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आई डोंट नो, मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ इस टाइम पे जब मुझे भूख लगती है तो, बट देखती हूँ मैं क्या करती हूँ जाके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल मिस आई टी इनको सब्सक्राइब करना।